हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो डीएसएसबी ने आज ही 1 अप्रैल 2022 को टीजीटी संस्कृत मेल का फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इसमें जो टीजीटी संस्कृत मेल को देवर आस्ट उनसे पूछा गया था डॉक्यूमेंट अपने ई डोजियर फिल करने के लिए कौन सी तारीख 21 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 तक उनको बोला गया था कि अपने सारे डॉक्यूमेंट ई डोजियर में सबमिट कर दे। ठीक है, तो उन्होंने उनको अब आफ्टर डैट ई डोजियर सबमिट करने के बाद उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिन भी स्टूडेंट्स के जिन भी एस्पिरेंट्स के यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट प्रॉपरली नहीं हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, तो उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को 5 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल 2022 तक आप अपने ये सारे डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो 5 अप्रैल को आपका जो पोर्टल है जिन भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है उनका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। OARS पोर्टल जो उनका है वो एक्टिव हो जाएगा ई डोजियर का और उनको आप सबमिट कर सकते हो 5 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल आपकी आखिरी तारीख है, तो ध्यान से उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है वो सबमिट कर दे। यहाँ पे देखो बच्चों के रोल नंबर दिए हुए हैं, साथ में जो उनका डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है वो भी दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम मैं देखूँ पहला रोल नंबर, तो कैंडिडेट ने अपनी मार्कशीट जो है वो सिर्फ शास्त्री में अपलोड की है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से क्या क्या अपलोड करना है, उनका बीएड का डिग्री और मार्कशीट अपलोड नहीं किए, सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, टेंथ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट उन्होंने अपलोड नहीं किए। तो ये सभी चीज़ें उनसे ये डीएसएसबी पूछ रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, रिक्वायर्ड है ये। ठीक है, ये सभी रोल नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं और जो भी इनका डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है वो साइड में एक्सप्लेन किया गया है कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपने भरना है, सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपके देखो इन सभी बच्चों ने ऐसे टोटल 22 कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, तो आप अपने रोल नंबर यहाँ से देख लेना कौन सा आपका डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है और 14 अप्रैल से पहले 14 अप्रैल तक आप अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। ठीक है, तो ऐसे 22 कैंडिडेट्स हैं, 5 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो ई डोजियर लिंक होगा वो एक्टिवेट होगा सिर्फ इन्हीं 22 बच्चों के लिए, इन्हीं 22 स्टूडेंट्स के लिए जिनके डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, सिर्फ 10 दिनों के लिए ये उनका पोर्टल एक्टिव जो लिंक है उनका 10 दिनों के लिए ही एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, कौन से तारीख 5 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक, तो आप अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स देख लेना, ध्यान से सबमिट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैंडिडेट अपलोडिंग ई डोजियर शुड एंश्योर डैट ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऑन द कट ऑफ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब इसके अंदर दिया गया है। तो आप अपने जल्दी से जल्दी अपने जो भी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सब मेंशन है कौन सा डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, तो 5 तारीख तक आप अपने 4 दिन आपके पास हैं उनको इकट्ठा करो, उनको लाओ अगर आपके पास नहीं है, और उनको सबमिट कर दो 14 अप्रैल से पहले। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। थैंक यू सो मच।